हाँ जी। तुम यार हमेशा फोन पे लगी रहती हो। ओके मम्मी, ठीक है, तुम्हारी मम्मी से ही बात कर रही थी। अरे किससे बातें करती रहती हो तुम सारा दिन? दीदी मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, ये ऑफिस से आ गए। ठीक है दीदी, तुम्हारी बहन से ही बात कर रही थी। जी मौसी जी, हाँ जी ठीक कह रहे हो आप। हाँ जी जी सही कह रहे हो। ओके, कितनी देर से फोन मिला रहा हूँ तुम्हें, कब से तुम्हारा फोन बिजी आ रहा है, किससे बातें करती रहती हो तुम? तुम्हारी मौसी जी का फोन था, तुम्हें पता तो है कि एक बार उन्हें फोन करो तो फोन पे ऐसे चिपक जाती हैं, फोन काटने का नाम ही नहीं लेती। मेरी मौसी नहीं चिपकती, तुम जिससे बात करती हो ना तुम ही चिपक जाती हो। इतने दिनों से देख रहा हूँ 24 घंटे फोन में घुसी रहती हो, गलती तुम्हारी है। हाँ गलती तो तुम्हारी है, क्योंकि तुम किसी से बात ही नहीं करते, तुम्हारे रिश्ते की भी सारी बातें मुझे ही करनी पड़ती है, इसलिए मैं बात करती हूँ। तुम ना मुझे छोड़ के पूरी दुनिया से बातें करती रहना, कभी मेरा हाल मत पूछना कि मेरी दुनिया में क्या चल रहा है, मेरे जीवन में कितनी प्रॉब्लम चल रही है, मुझसे तो कोई बात ही नहीं करता। बताओ क्या प्रॉब्लम है? क्या बताऊँ यार, लाखों रुपए का कर्जा हो रखा है मेरे ऊपर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या क्या बेचूं। मैंने FD भी तुड़वा दी, अब तुम्हारी वो जो ज्वेलरी है वो भी मुझे बेचनी पड़ेगी, मुझे मुझे अपना अपना फ़ोन भी बेचना पड़ेगा, और पता नहीं मुझे क्या क्या करना पड़ेगा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा यार, पता नहीं उससे भी अपना कर्जा पूरा होगा कि नहीं होगा। तुम ना एक काम करो, मेरा फ़ोन भी बेच दो। पक्का तुम बिना फ़ोन के रह लोगी ना? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें अगले महीने एक नया फ़ोन ला के दे दूँगा। और कोई प्रॉब्लम नहीं? अब जो होगा देखा जाएगा, तुम ना मेरे लिए एक कप चाय बना दो प्लीज़। ठीक है मैं अभी लाती हूँ। ओके। इसका फ़ोन से पीछा छुड़ाने का बस एक यही तरीका था, जब देखो फ़ोन में घुसी रहती है।